हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेटिंग ट्यूटर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्यारी सी लॉन्ग सॉक्स है ये ये देखिए सिंगल कलर में बनाएंगे आप चाहें तो इसको डबल कलर में भी बना सकते हैं यहाँ पर आप डबल कलर लगा लें ये वाला कलर आप अलग कलर से बना लें यहाँ पर आप जाली से फंदे बढ़ा सकते हैं मैंने इसमें बिना जाली के फंदे बढ़ाए हैं इसके दोनों साइडों में आप जाली से भी फंदे बढ़ा सकते हैं और बिना जाली के भी बढ़ा सकते हैं इसकी उंगलियाँ भी मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाई हैं ये देखिए बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होंगी ये पहनने के लिए इस तरीके से हम इसको पूरी कंप्लीट करेंगे कि पांच से छ नंबर के लिए मैंने इसे बनाया है और फिफ्टी फोर स्टिचे से शुरू किया है आप उससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो हर नंबर के लिए आप दो फंदे यहाँ एक्स्ट्रा करेंगे और दो फंदे आप यहाँ एक्स्ट्रा कर लेंगे दो या चार फंदे यहाँ करेंगे और दो फंदे ही हम हर नंबर के लिए बॉर्डर में एक्स्ट्रा कर लेंगे इससे कि इसमें हम पाँच से छः नंबर के लिए फिफ्टी फंदों का भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ मैंने केबल डिज़ाइन दिया है दो फंदे सीधे दो उल्टे का बॉर्डर किया है तो इसलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा फंदे रखे हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें यहाँ से मैंने फंदे डाल के रखे हैं थोड़े से टाइट की तरफ ही हम इस फंदों को डालेंगे और गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस फिफ्टी फोर स्टिचेस हमारे ये हो गए अब हम इनको बुनना शुरू करेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे का बॉर्डर किया है मैंने ये आप कोई भी डिज़ाइन का बॉर्डर कर सकते हैं जो आपको पसंद हो आप एक सीधा एक उल्टा कर सकते हैं तीन सीधे तीन उल्टे कर सकते हैं या पूरा इसको उल्टा उल्टा भी आप बुन सकते हैं तो ये देखिए एक दो फंदे सीधे धागा आगे लेंगे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे इस तरह से हम इसकी बुनते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए हम सिलाई के एंड पर आ गए यहाँ पर दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे बुनते हुए धागा आगे लेंगे और फिर ये दो फंदे उल्टे बना लेंगे एंड में भी हमारे ये उल्टे फंदे आ गए अब आएंगे हम इसकी दूसरी सिलाई पर ये पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे लेंगे फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे यहाँ से आपको ये साफ़ दिखने शुरू हो जाएंगे कि हमें कहाँ पर उल्टा बुनना है और कहाँ पर सीधा ये देखिए तो हमें बस ये देखना है ये फंदे देखिए हमारे दो उल्टे दिख रहे हैं तो इनको हम उल्टा बना लेंगे ऐसे करेंगे ये वाले फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं तो इनको हम सीधा बना लेंगे बस यही करते हुए हमें ये चौदह सिलाई करनी है फोटीन रोज़ करनी है हमें इसमें इस तरह से देखिए यहाँ और भी ज़्यादा क्लियर ये दिखना शुरू हो गया जहाँ उल्टे हैं वो उल्टे बुन लेंगे और जहाँ सीधे हैं वो सीधे बुन लेंगे ये देखिए इसकी हमने चौदह सिलाई बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है अगर हम इसको नापें देखिए कितना हमारा ये बैठा है अगर सेंटीमीटर में नापेंगे हम तो ये पाँच सेंटीमीटर हमारा आ रहा है और अगर इंचज में नापेंगे तो ये दो इंच के करीब आ रहा है थोड़ा सा कम है एक सिलाई दो इंच हो गया अब हमारा ये यहाँ से हम इसको उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे जो हमारी ये बारह नंबर की हमने केबल बनाई है वो केबल के बारह फंदे हम सीधी साइड से सीधे बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टे बुनेंगे और बाकी जितने भी फंदे हैं वो सारे फंदे उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी बारह फंदे बीच के छोड़ के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे दोनों साइड से इस तरह से मैं ये बना रही हूँ ये सिलाई कर लेते हैं हम कंप्लीट ये देखिए हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आ गए हम सीधी साइड पर सीधी साइड से हम बुनना शुरू करेंगे और ये मैंने मार्कर लगाए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं कि कहाँ पर हमें सीधे फंदे बुनने हैं और कहाँ पर हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं इक्कीस फंदे हमारे ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस बीस और एक ये इक्कीस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये बीस हो गए एक ये इक्कीस फंदे हमारे इधर हो गए इक्कीस फंदे इधर हो गए और बीच में हैं एक दो तीन चार पाँच छः बारह फंदों की हमारी ये केबल है ये बारह फंदे हमें सीधी साइड से सीधे बुनने हैं और उल्टी साइड से उल्टे बुनने हैं और जो इधर के फंदे हैं और जो हमारे बढ़े हुए फंदे होंगे वो सब हमें उल्टे बुनने हैं दोनों साइड से तो ये वाले फंदे तो हम उल्टे बना लेंगे ये इक्कीस फंदे उल्टे बनाने के बाद हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अगर आप ये कंफर्टेबल हों मार्कर के साथ बुनने में तो आप इनको साथ में लेके बुन सकते हैं या आप इनको हटा दें ऐसे ही गिन के बना लें ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बताए हैं यहाँ पर एक फंदा हमें इस तरह से एक फंदा बना के ये ले लेना है मार्कर इधर लेंगे और जो ये बारह फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे बड़े हुए फंदे हमारे ये उल्टे फंदों में आते जाएंगे बीच में बारह के बारह ही रहेंगे ये हो गए अब इस साइड आ जाएंगे और यहां पर एक फंदा बढ़ाएंगे हम उसके बाद ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे और उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुन लेनी है ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब सीधी साइड आ गए हम सीधी साइड से भी हम ये फंदे उल्टे ही बना रहे हैं यहाँ पर यहाँ से मैं मार्कर हटा दूंगी अगर आप पूरा सॉक्स मार्कर के साथ बुनने में कंफर्टेबल हैं तो आप पूरा सॉक्स मार्कर के साथ बुन सकते हैं ये देखिए ये आ गए हमारे वो वाले बारह फंदे अब यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे जो ये बारह फंदे हैं हमारे इनके एक फंदा इधर बढ़ाना है और एक इधर बढ़ाना है और बाकी ये फंदे सीधे बुनेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे हमारे अब ये हमें मार्कर की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप देख सकते हैं ये अलग हमारे दिखाई देंगे जो उल्टे फंदे हैं वो उल्टे ही रहेंगे और जो ये सीधे हैं वो हमारे सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे फंदे हमें हर बार बढ़ाने हैं जो हमारे ये बारह फंदे हैं उनके एक इधर बढ़ा लिया हमने एक इधर और ये बढ़े हुए फंदे हमारे उल्टे फंदों में मिलते जाएंगे ये हमारे बारह के बारह ही रहेंगे अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको मारकर के साथ भी बुन सकते हैं ये फंदे कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे ये देखिए यहाँ से हमने उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली अब हम सीधी साइड आ गए ये फंदे हमने बुन लिए देखिए ये वाला जो फंदा हमारा सीधा जा रहा है ये बारवा फंदे का पहला फंदा है धागा पीछे लेंगे एक फंदा बढ़ा लेंगे ये बढ़ा लिया अब हमें यहाँ केबल बनानी है तो देखिए केबल कैसे बनाएंगे छः फंदों में हमें इस साइड बनानी है और बाकी के छ फंदों में उस साइड बनानी है तो पहले हम ये वाले छः फंदे लेंगे आप चाहें तो इसके लिए केबल नीडल ले सकते हैं उससे बहुत आसानी से हो जाएगी लेकिन ये सबके पास केबल नीडल नहीं होती है तो मैं इसलिए इसी तरह से बता रही हूँ तीन फंदे छोड़ के उसके अगले तीन फंदे ये हमने सिलाई में ले लेने हैं इस तरह से उसके बाद हम ये वाला इस तरह से हाथ से पकड़ेंगे ताकि जब हम ये छः के छः फंदे सिलाई में से निकालें तो ये फंदे उतर नहीं जाएं इस तरह से टाइटली हम हाथ में से पकड़ हाथ में पकड़ेंगे इसको तीन फंद, ये छे छे फंदे ये छः के छः फंदे सिलाई में से निकाल देंगे पीछे की साइड से हमें ये तीनों फंदे इस सिलाई में ले लेने देखिए इस तरीके से इधर लाएंगे और ये वाले फंदे भी इस वाले सिलाई में ले लेंगे अब हमें ये छः के छः फंदे सीधे बुन देने हैं एक दो तीन चार पाँच छे अब हम ये वाले छः फंदों में केबल बनाएंगे ये वाली साइड हमारी इस साइड जा रही है और ये वाली साइड हमारी इस साइड आएगी जो हमारी इस साइड आएगी उसमें हम पीछे से लेंगे फंदे जो इस साइड आएगी उसमें हमने ये आगे से लिए फंदे तो ये तीन फंदे छोड़ के उसके अगले तीन फंदे हम सिलाई में लेंगे लेकिन पीछे की साइड से लेंगे हर बार आपको यही करना है शुरू वाले फंदे आगे की साइड से लेंगे बाद वाले फंदे पीछे की साइड से लेंगे ये हमने ले लिए अब इन फंदों को हमें पकड़ के रखना है छः के छः फंदे सिलाई में से निकाल देंगे ये हम आगे की तरफ से ले रहे हैं इधर आ जाएंगे और ये फंदे हम ये सारे फंदे बुन देंगे हम ये हो गए हमारे यहाँ बारह फंदे अब यहाँ पर हमें फिर से एक फंदा बढ़ा देना है और बाकी के फंदे हम उल्टे बना लेंगे इस तरह से उल्टे बुनेंगे और उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बना लेनी है ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करने के बाद अब आ गए हम सीधी साइड पर सीधी साइड पर अब हमें छह सलाई इसी तरह से बुननी है जैसे कि हमने पहली चार सिलाई बुनी थी यानी कि सारे फंदे उल्टे बुनने हैं और जो बीच के बारह फंदे हैं वो सीधे बुनने हैं और फंदा ज़रूर बढ़ाना है अगर आपको ये इसमें आइडिया ना हो कि हमने कितनी सिलाइयाँ कर ली तो आप इसमें एक मार्कर लगा सकते हैं जिस तरह से ये वाली लाइन पे हमने ये केबल मोड़ी थी तो हम इस लाइन पे ये लगा देंगे इसके बाद हमारी तीन लाइन कंप्लीट हो जाएंगी जब हमारी चौथी लाइन शुरू होगी तो हम उस लाइन पे केबल बनाएंगे यानी कि एक लाइन हमारी ये हो गई अब इसके बाद दूसरी आएगी तीसरी आएगी जब चौथी लाइन आएगी तब तो हम ये सेम इसी तरह से केबल मोड़ेंगे जैसे कि हमने अभी मोड़ी अभी हमने सिर्फ यही करना है कि हम यहाँ फंदा बढ़ाना नहीं भूलेंगे एंड तक यहाँ हमें ज़रूर फंदा बढ़ाना है जो बारह फंदे हैं वो हम ऐसे ही सीधे बुन लेंगे उसके बाद फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे इसी तरह से बुनते हुए हमें ये छह सिलाई कंप्लीट करनी है पहली सिलाई है अभी हमारी ये इसके बाद हमें पांच सिलाई और बुननी है ये हमने सिर्फ ध्यान रखने के लिए कि हमारी कितनी सिलाई हो चुकी क्योंकि केबल में पता नहीं चलता है कि हमने कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं ये देखिए ये अब हमने इस तरह से बुनते हुए ये फंदे हमने सीधे उल्टे सीधी तरफ से सीधे उल्टी तरफ से उल्टे बुने कोई फंदा ना घटाया ना बढ़ाया केबल हमने सिर्फ यहाँ बनाई थी सिर्फ हम ये यहाँ फंदे बढ़ा रहे हैं केबल के दोनों साइड में अब हम फिर से सीधी साइड पर आ गए यहाँ हमने ये मार्कर लगाया था इस वाली जिस लाइन में हमारा मार्कर है इस वाली लाइन पर हमने ये केबल बनाई थी उसके बाद हो गई हमारी ये एक दो तीन तीन लाइन हो गई अब जो हमारी ये चौथी लाइन आएगी इस पे हम फिर से केबल बनाएंगे यहाँ से ये बन गया धागा पीछे लेंगे एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ हम केबल बनाएंगे उसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ बनाई थी तो एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ यहाँ से ये छः फंदे लेंगे इधर जाने के लिए हम अगले वाले फंदे आगे की तरफ से लेंगे पहले तीन फंदे छोड़ के दूसरे तीन फंदे आगे की साइड से लेने हैं और जो हमारे अगले फंदे हैं ये हम पीछे की साइड से लेंगे तो देखिए इस तरह से हम पकड़ेंगे ये सिलाई में से छः के छः फंदे निकाल देंगे ये वाले तीनों फंदे इधर लेंगे ऐसे घुमाएंगे और ये फंदे इस सिलाई में ले लेंगे और सीधे बुन देंगे इस तरह से सीधे बुने हमने छः के छः फंदे अब आ गए हम दूसरी साइड दूसरी साइड हमें पीछे की साइड से तीन फंदे लेने हैं पहले तीन फंदे छोड़ेंगे दूसरे तीन फंदे सिलाई में ले लिए हमने इस तरह से पकड़ेंगे और ये फंदे हम इस वाली सिलाई में लेंगे और बाकी ये छः के छे फंदे सीधे बुन देंगे बस इसी तरह से केबल बनानी है आपको ये एक दो तीन चार पांच पांच बार हमें ये केबल बनानी है दो, दूसरी बार मैं ये बना रही हूं इसके बाद हम फिर से छः सिलाई करेंगे उल्टी सिलाई करने के बाद हम इसकी छः सिलाई करेंगे ये हमारा एक फंदा यहाँ रह गया ये देखिए ये यहाँ पर हमारी ये मिस्टेक हुई है ये यह यहाँ पर जो ये बढ़ा हुआ फंदा था ये भी हमने सीधा ले लिया बिना गिने हुए हमने बन बुल लिए अब यहाँ से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे और यहाँ से ये यह फंदा बढ़ा देंगे बारह फंदे के बाद और बाकी के फंदे हम इसके उल्टे बना लेंगे यहीं से हम इसको उल्टा कर देंगे इस फंदे को तो इसमें ज़्यादा ये देखिए इस तरह से ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा इसमें अब हमारे ये बारह फंदे हैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे ये देखिए ये चार सिलाई बन गई अब हम इसे मार्कर को यहाँ से हटा देंगे और ये वाली लाइन पे जिस लाइन पे हमने ये अभी केबल बनाई है उस लाइन पे मार्कर लगा देंगे अब इस लाइन के बाद हमें तीन लाइन बनानी है और चौथी लाइन पे हमें फिर यही केबल बनानी है इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और पांच बार हम यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे ये देखिए अब है, इसके फंदे बढ़ाते हुए ये केबल डालते हुए हमने ये एक दो तीन चार पाँच पाँच बार हमने इसको मोड़ा है इस तरह से हम ये लाइंस गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस उन्नीस लाइन हो गई है हमारी उन्नीस यानी थर्टी एट अड़तीस फंदे हमारे बढ़ चुके हैं चौवन फंदे हमने इसके यहाँ से लिए थे तो हमारे नाइन्टी टू फंदे ये हो चुके हैं अब हमें इसको ये मैं यहाँ से उल्टा उल्टा बुनते हुए ही ले आई हूँ यहाँ पर हमें कोई भी फंदा ना घटाना है न बढ़ाना है इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे आगे तक यहाँ से ये केबल के फंदे भी अब हमें उल्टे बुनने हैं क्योंकि हमें यहाँ केबल नहीं बनानी है अब यहाँ से हम उंगलियों का पार्ट अलग करेंगे और अंगूठे का अलग करेंगे अब यहाँ से जब उल्टी सिलाई लाएंगे तो हम आधे तक करेंगे और उसके बाद मैं दिखाती हूँ ये देखिए सीधी सिलाई पूरी उल्टी करने के बाद जब हम इस साइड आए यहाँ से भी उल्टा उल्टा करते हुए अब हम यहाँ मिडिल तक आ गए आधे फंदे हमारे इस सिलाई में हैं और आधे फंदे हमारे इस सिलाई में हैं अब ये वाली सिलाई के फंदे हम छोड़ देंगे और सिर्फ ये वाली सिलाई के बुनेंगे यहाँ से बुनते हुए हमें कम से कम आठ से दस सिलाई इसकी इसी तरह से बुननी है कोई भी फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है और आधे ही फंदे हमें हर बार बुनने हैं इसकी आठ सिलाई या दस सलाई हम ऐसे ही बना लेंगे एड़ी की तरफ भी हम इसमें फंदे घटा सकते हैं अगर आप चाहें तो एडी की तरफ इसमें फंदे घटा सकते हैं उंगलियों में तो आठ दस सलाई के बाद मैं घटाना बताऊंगी किस तरह से घटाना है लेकिन हम चाहें तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपने देखा होगा जो मैंने पिछली वीडियो डाली है अंगूठे वाली सॉक्स डबल कलर में वो बनाई है मैंने उसमें मैंने यहाँ एड़ी घटाना भी बताया है तो आप चाहें तो उसको एड़ी घटाएं इसको भी उसी तरीके से एड़ी घटाते हुए चार फंदे हम घटा लेंगे हर उल्टी सिलाई पर और अगर आप वैसे ना बनाना चाहें तो जिस तरह से मैं ये बना रही हूँ बिना फंदे घटाए हुए तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं तो अगर आपको एड़ी भी बनानी है इसमें तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने एडी की तरफ भी फंदे घटाना सिखाया है एड़ी की तरफ फंदे घटाने के लिए हम जब ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ आएंगे पहला फंदा बिना बुना लेंगे और फिर दो फंदों का एक फंदा कर देंगे यहाँ पर और ये हमें कम से कम तीन से चार बार करना होता है तब ये हमारी यहाँ एड़ी की शेप आ जाएगी लेकिन इसमें मैं सिर्फ उंगलियों की तरफ़ फंदे घटाऊँगी एड़ी की तरफ नहीं तो मैं दोनों तरह से बता रही हूँ आप चाहें तो उस सॉक्स में मैंने एड़ी की तरफ भी फंदे घटाए हैं और उंगलियों की तरफ भी फंदे घटाए हैं तो आप ये दोनों तरीके से बना सकते हैं तो मैं इसकी पहले आठ दस सिलाई ऐसे ही बुन लेती हूँ और उसके बाद मैं उंगलियों की तरफ़ फंदे घटाना दिखाऊंगी किस तरह से घटाने हैं ये देखिए इस तरह से बुनते हुए हमने ये एक लाइन जो थी हमारी पूरी सिलाई पूरे फंदे बुने हमने और उसके बाद हमने हाफ़ फंदे इधर बुने और हाफ़ इधर बुने उसके बाद अगर हम वो वाली लाइन छोड़ दें तो हमने बुनी एक दो तीन चार पाँच पाँच लाइन हमारी ये हो गई और इसको भी मिला लेंगे तो हमारी छह लाइन हो जाएंगी इसी तरह से ये दूसरा धागा लगा के मैंने इधर के फंदे बुन लिए अब हमें इसके फंदे घटाने हैं बुनना हमें इसको अभी भी अलग अलग ही है यहाँ से लेंगे एक ढीला घटाएंगे इसको टाइट नहीं करेंगे दो और ये हो गए तीन तीन फंदे हमने यहाँ घटा दिए बाकी सारे फंदे ऐसे ही बुन देंगे देखिए ये वाला यहाँ हमने तीन फंदे घटाए और ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना के फिर इधर से आए यहाँ से भी पूरी सिलाई उल्टी बना दी अब फिर से इधर से घुमाएंगे और यहाँ से भी उल्टी सिलाई उल्टी ही बनाएंगे जिस तरह से हमने ये बनाया और अगर हम इस सिलाई को मिलाएंगे इस सिलाई को मिला के गिनेंगे तो हमें आसानी रहेगी तो हम इसको मिला के ही गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ यहाँ हो गई साथ ये हो गई अभी हमें दो लाइन इसकी और बनानी है नौ लाइन कंप्लीट होने तक हमें अब इसमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है हम इसको ऐसे ही बुनेंगे और फिर हम ये वाली साइड आ जाएंगे यहाँ भी हमारी देखिए एक दो तीन चार पाँच छ लाइन हो गई छ लाइन के बाद हमने यहाँ घटाया छ लाइन के बाद हमने यहाँ घटाया यहाँ भी हमें इसी तरीके से तीन फंदे घटा देने हैं एक दो तीन तीन फंदे घटा के और ऐसे ही आगे बुनते चले जाएंगे दोनों साइड से अब ये सारे फंदे बुनते हुए हमें नौ लाइन कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद हम ये सारे फंदे कर देंगे बंद ये देखिए ये हमने नौ लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं अगर हम यहाँ से गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ लाइन इधर हो गई इधर की नौ लाइन कंप्लीट करने के बाद हमने ये फंदे सारे बंद कर दिए अब हम इधर के फंदे भी बंद करेंगे फंदे हमें जितना ढीला हो सके उतने ढीले बंद करने हैं ये ताकि हमारे ये तले में पैर में पहनने में अनकंफर्टेबल ना हो ये सिलाई खींचनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी ढीला ढीला बंद करेंगे तभी ये थोड़ी लूज रहेगी ये सारे फंदे बंद कर लेंगे ये देखिए ये बिल्कुल ढीले ढीले बंद किए हैं मैंने और उसके बाद हम इसको इस तरीके से मिला के यहाँ से लेके कर यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे ये देखिए इसके फंदे बंद करने के बाद इसकी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह सिंपल तरीके से जैसे कि हम एक एक फंदा उठा के सिलाई करते हैं वैसे सिलाई कर ली इस पार्ट को हमें इतना छोड़ना है इस तरह से हम इससे नाप लेंगे कि ये इसकी बराबर आ जाए यहाँ से इतना हम इसको छोड़ देंगे अब हम इसकी सिलाई करेंगे देखिए पहले ये वाला जो हमने तीन फंदे घटाए थे ये पार्ट हम अलग से सिलेंगे इस साइड से ये हो गया अब ये धागा हम इधर ले लेंगे और यहां से हम इसको सिल देंगे इस तरह से हम ये फंदा उठाते उठाते यहाँ से ला के ऐसे करके और यहाँ से और इधर उतार के यहाँ तक हम इसी तरीके से इसकी सिलाई कर लेंगे और ये सॉक्स हो गए हमारी कंप्लीट बीच में हमें ये देखना है कि हमें इस तरीके से सिलाई करनी है इस जगह पे कि कहीं भी हमारा होल ना छूटे अक्सर हमारा सिलाई में यहाँ कोई फंदा रह जाता है और यहाँ हमारा एक होल जैसा बन जाता है वो हमारा नहीं बनना चाहिए ये हो हमारा सॉक्स कंप्लीट इस धागे को हम पक्का कर देंगे और पीछे की साइड ला के हम थोड़ा सा इसको काट देंगे अब हम देख लेते हैं कि हमारे एक सॉक्स में ये कितनी ऊन लगी है ये हम देखेंगे ये लगी है हमारी इस पीस में थर्टी थ्री थर्टी थ्री ग्राम यानी सिक्सटी सिक्स ग्राम हमारी ये ऊन लग गई है इसमें पूरी ये देखिए ये हमारे सॉक्स एकदम बिल्कुल बढ़िया फिटिंग के साथ तैयार हो गई है उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे देखिए बहुत ही प्यारी सी बहुत लॉन्ग ये वाला जो मैंने केबल डिज़ाइन बनाया है आप इसको किसी और डिज़ाइन में भी यहाँ कोई और डिज़ाइन भी ऐसा सीधा पट्टी वाला जाली वाला या कोई भी डिज़ाइन आता है यहाँ आप वो डिज़ाइन भी बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू